हेलो एवरीवन, फाइनली द कैट 2022 एग्जाम इज ओवर एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक डिजास्टर ही होता है। क्यों? बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं लिमिटेड सीट से IIMs में या फिर टॉप 50 बी स्कूल्स इन इंडिया। एंड देन एग्जाम देने के बाद जब पता चलता है एनालिसिस में कि अपनी बहुत सारी गलतियाँ हैं तो डिमोटिवेशन आ जाता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, सो वो सब डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज ऐसे वीडियोज़ आगे आते रहेंगे जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कौन से MBA कॉलेजेस के एडमिशन अभी ओपन है या फिर कौन से एंट्रेंस एग्जाम आगे आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि आने वाली एग्जाम्स कौन सी है, लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है। ठीक है गाइज, अंडरस्टैंड वन थिंग, आप हर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते, या फिर हर एंट्रेंस एग्जाम दे भी दी तो हर जो कॉलेज वो एंट्रेंस एग्जाम्स को एक्सेप्ट करता है वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपका 50-60,000 रुपीज़ तो इसमें चला जाएगा। हर कॉलेज का अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी होता है, हर एग्ज़ाम का अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी होता है, तो आपको ना थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होता है ऐसे केस में, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैट इज़ ओवर, जैट की डेडलाइन है, लेकिन फिर से बता दूँ जैट टफ एग्ज़ाम है ना। जो कैट में हुआ वो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैट में, बिकॉज टफ है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर है। देन इफ आई टॉक अबाउट स्नैप, हाँ यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है। एनमैट तो डेडलाइन हो चुका है, वो भी इजी है लेवल ऑफ डिफिकल्टी में। IIFT अगेन गॉन, IBSAT 2023 तो आपके ऊपर है, बिकॉज हर कोई ये लीक टारगेट नहीं कर रहा है, बैकअप ऑप्शन है ना। सीमैट, हाँ सीमैट तो डेफिनेटली अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। एंड टिस्नेट, तो ये दो एग्जाम्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, उसमें भी टिस्नेट में कंपटीशन कम रहेगा, बिकॉज जो स्टूडेंट्स को आगे जाके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में MBA करना है वो टारगेट करेंगे। ओके सो ये आने वाली एग्जाम्स है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। और एक एग्जाम है MBA CET, जिसका नोटिफिकेशन मार्च का अराउंड आएगा, एक्सपेक्टेड है कि डिले होगा दिस ईयर एज वेल। ठीक है, तो अभी ये तो बात हो गई, चलो यार आने वाली एग्जाम्स कौन सी है, लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है। आगे बात कर लेते हैं कि आपका परसेंटाइल क्या रेंज में होगा, आइदर यू आर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर टॉप IIMs या फिर बेबी IIMs या फिर न्यू IIMs, है ना। एंड अगर वैसा परसेंटाइल नहीं है तो जो टॉप नॉन IIMs है उनमें आप शॉर्टलिस्ट होने वाले हो। तो ये समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से कॉलेजेस है जहाँ पे एप्लीकेशन ओपन है। ठीक है, क्लिक ऑन MBA कॉलेजेस एंड ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई टू डिफरेंट MBA कॉलेजेस एग्जाम्स कौन से एक्सेप्ट की जाती है एंड क्या प्रोग्राम वहाँ पे मिलता है, एज वेल एज सैलरी मेंशन की गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज सैलरी, हाईएस्ट, मीडियन, ये पूरा डेटा दिया हुआ है। मोर ओवर ये सेम पेज को आप बुकमार्क कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज जो बाकी कॉलेजेस है जैसे ग्रेट लेक्स की पूरी लीग है ना, MDM मुर्शिदाबाद है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे जिनकी डेडलाइन ओपन है। एक ही पेज पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। नाउ गाइज अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे अभी IIM दिल्ली है, हाँ एप्लीकेशन ओपन है तो मैं ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करूंगा। यस, इन्वेस्टमेंट हैवी है, जो एवरेज सैलरी मीडियम सैलरी वो भी अच्छी है, लेकिन भाई कॉम्पिटिशन भी टफ है ना। 90% से ऊपर अगर कट ऑफ जाने वाला है तो डेफिनेटली यू शुड थिंक ऑफ इट। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो 60-70% में लैंड करोगे, 70-80% लैंड करोगे, देन आपका प्लान अकॉर्डिंगली बनेगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट 60-70% के रेंज में लैंड करेंगे, तो IIMS गाजियाबाद एक ऑप्शन हो सकता है। तापमी की बात करो तो ऑलरेडी कट ऑफ डिफाइंड है, वेबसाइट पे दिया है, या फिर आप ये सेम वेबसाइट पे यहाँ पे तापमी टाइप कर सकते हो, आपको आर्टिकल मिल जाएगा। अगेन 60% से नीचे तो अगेन जेम्स रोहिणी एक इंस्टीट्यूट है, स्नैप अगर आप देने वाले हो तो SIIM नासिक है ना, IFMR चेन्नई, अगर आपका 80% के आसपास कैट में परसेंटाइल निकल के आएगा। मोर ओवर यही सेम कॉलेजेस बाकी एग्जाम्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप NMAT देने वाले हो, तो जो टॉप कॉलेज है NMIMS मुंबई, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी 21 लाख से ज़्यादा की फ़ी आपको लगेगी। यस, इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी है एंड इनटेक ज़्यादा है, तो शायद आप NMAT ना दो। अगर दे रहे हो देन आपके पास ये कॉलेज है, ये तीन अलग अलग स्पेशलाइजेशंस है, बिजनेस मैनेजमेंट, HR एंड रूरल, जिम यूनिवर्सिटी, तो ये आप टारगेट कर सकते हो। तो इसमें HR एंड रूरल के लिए NMAT को एक्सेप्ट किया जाता है। सो आपको ये हिसाब से सोच के देन डिसीजन लेना पड़ेगा, ब्लाइंडली डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे मैंने कम से कम 30 प्रोग्राम्स को मैंशन किया है। 1,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म भी अगर कंसिडर करें तो 30,000 तो यहाँ पे हो जाएंगे। सो इसमें जो एवरेज कॉलेजेस है या फिर एवरेज टू गुड कॉलेजेस, सभी के सभी मेंशन नहीं है, वो ऐड होते जाएंगे। ठीक है, सो
अभी सोचना स्टार्ट करो, जो परसेंटाइल आएगा उसका ज़्यादा मत स्ट्रेस लेना, बिकॉज आगे आने वाली जो एग्ज़ाम्स है वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सीमेट तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टारगेट करने वाले, देन मैट एटमा। और क्या इन्फॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पेज में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ऐड द सेम इन्फॉर्मेशन। ओके, सो प्लान योर स्टफ एंड गेट गोइंग, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। कैट एग्जाम हर एक का नहीं निकलता, एक्सेप्ट दैट फैक्ट। बट ऐसा भी नहीं कि कैट एग्जाम में आपने स्कोर नहीं किया या फिर अच्छा परसेंटाइल नहीं आया तो दुनिया खत्म हो जाती है। आपके पास और भी अवसर है, उसको डेफिनेटली बैंक कर सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू रीड जेनरिक इन्फॉर्मेशन, स्पेशलाइजेशन आप देख सकते हो जीडी वैट टॉपिक एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाएगा। खुद को अपस्किल करना है तो शॉप सेक्शन देख लेना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।